मैं हूँ पूजा सिंह। किचन गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर की लिट्टी। इसे मैं अप्पम पैन में बनाऊंगी और इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने लिया है 2 कप हरे ताजे मटर और 1 गांठे लहसुन की कलियाँ, 6 से 7 हरी मिर्च और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। मसालों के लिए मैंने लिया है 5 फोरन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। गैस पर मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 5 फोरन। ये लहसुन की कलियां, इसे मैं साबुत ही यूज कर रही हूं। अदरक के टुकड़े, इसे भी मैं डाल दूंगी और इन चीजों को चला लूंगी। बारीक कटी हरी मिर्च, इसे भी मैं यूज करूंगी। अब इसमें मैं ताजे हरे मटर वो भी डाल दूंगी। दो कप हमने लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे। मटर को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि मिर्च ज़्यादा ना हो और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मटर को चेक कर लेते हैं। मटर अच्छे तरीके से पक चुके हैं और भून चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देंगे। मैं लूंगी एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें मैं डालूंगी हरे मटर। सभी हरे मटर को डाल लेने के बाद मैं इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लूंगी। पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए मैंने इसे दरदरा ही तैयार किया हुआ है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और लिट्टी के लिए डो की तैयारी करेंगे। लिट्टी के लिए डो तैयार करने के लिए मैं लूंगी 2 कप आटा और थोड़े से स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन और कलौजी। मैं लूंगी एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसमें डालूंगी आटा। मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है, आप चाहें तो मैदा और गेहूं मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 कप आटा ले लिया और इसमें डालूंगी मैं अजवाइन, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, कलौजी। मोयन के लिए मैं यूज़ करूंगी रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब इसे हम दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मल लेंगे। जितनी अच्छे तरीके से हम आटे को मलेंगे हमारा लिट्टी काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होगा। इस प्रकार से हम अच्छे तरीके से मल लेंगे और फिर इसमें पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो हमने तैयार कर लिया है, अब इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। आटे को रेस्ट होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिट्टी बनाएंगे। इसके लिए मैंने मटर के पेस्ट की छोटी छोटी मैंने लड्डू बनाकर अलग रख लिया है ताकि इसे भरने में आसानी हो। अब हम आटे से इस प्रकार के छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। अब हम डस्ट करेंगे और
और इस प्रकार इसे हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसमें एक मटर की लड्डू रखेंगे इस प्रकार से, और इसको हम इस प्रकार से बंद कर लेंगे चारों तरफ से, ऐसे इकट्ठा करके हम इसे अच्छे तरीके से सील कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हम सभी लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। सभी लिट्टी में मैंने मटर भरकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने गैस पर अपम पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी इस प्रकार से। सभी खानों को ग्रीस कर लेते हैं। पैन अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और फिर सभी लिट्टी को इसके अंदर हम रख देंगे। इसको रखने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और एक या दो मिनट के बाद हम चेक करते रहेंगे। एक मिनट के बाद हम लिट्टी को चेक कर लेते हैं। लिट्टी को हम पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड से कितने अच्छे तरीके से सिक गया है। सभी को हम पलट लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से यह टर्न हो जा रहा है। सभी लिट्टी को पलट लेने के बाद हम फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसको, ताकि सेकंड साइड भी अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और फिर से इसे ढककर हम एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। लिट्टी को हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए लिट्टी सेकंड साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। सभी को घुमा घुमा के और हम इसे सेक लेते हैं। परफेक्ट लिट्टी बनकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सिकी हुई है। लिट्टी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो गए हैं। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सभी लिट्टी को हमने एक प्लेट पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल खास्ता और करारी बनी हुई है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और ये रेसिपी अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई करें। और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।